हेलो दोस्तों, मैं हूँ आयुष और आप देख रहे हैं एपीटेक चैनल। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आप अपने पीसी में निविडिया का ग्राफिक्स ड्राइवर कैसे इंस्टॉल करें? दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको वही बताऊंगा। मगर दोस्तों, निविडिया का ग्राफिक्स ड्राइवर सक्सेसफुली इंस्टॉल होने के लिए आपके पास निविडिया का हार्डवेयर होना चाहिए या फिर निविडिया का ग्राफिक्स कार्ड। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इसको इंस्टॉल कैसे करें। दोस्तों, आप सबसे पहले अपना गूगल क्रोम या फिर कोई सा भी ब्राउज़र खोल लीजिए। ब्राउजर खोलने के बाद दोस्तों आप वहां पे सर्च कीजिए। अगर दोस्तों आपको निविडिया का ग्राफिक्स ड्राइवर सर्च करना है तो दोस्तों आप कोई सा भी इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों मैं इंस्टॉल करता हूँ निविडिया GTS 250 ग्राफिक्स ड्राइवर डाउनलोड फॉर पीसी। अब यहाँ पे आप एंटर दबा दीजिए। एंटर दबाने के बाद दोस्तों आप सबसे पहले लिंक पे क्लिक करिए। दोस्तों, आपका विंडोज 10 हो तो आप विंडोज 10 के लिए करिए। दोस्तों, मेरा विंडोज 7 है। दोस्तों, मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। दोस्तों, ये लिंक अभी लोड हो रहा है। दोस्तों, चलिए आप इसको इंस्टॉल करते हैं। देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे है। दोस्तों, आप इसको राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आ गया। अब आप यस पे दबाइए। दोस्तों, ये लोड हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये आप कुछ पूछेगा, आप ओके पे दबा दीजिए। देखिए दोस्तों, ये कुछ एक्सट्रैक्ट हो रहा है। देखिए दोस्तों, ये आ रहा है, इसको आने दीजिए। दोस्तों, अब ये आपके सिस्टम का कंपैटिबिलिटी चेक कर रहा है, इसको चेक करने दीजिए। दोस्तों, आपका जैसे सिस्टम का कंपैटिबिलिटी चेक होगा दोस्तों, ये निविडिया का ग्राफिक्स ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएगा। मगर दोस्तों, आपका जो हार्डवेयर या फिर ग्राफिक्स कार्ड है वो निविडिया का होना चाहिए, तभी ये इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और अमेजिंग टॉपिक के साथ।